नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक बयान सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने उस वीडियो में बोला है, कहा है कि अगर हमारे 15 साल की राज में कोई गलती हुई है तो हम माफ़ी मांगते हैं। आइए सुनाते हैं तेजस्वी यादव का ये बयान। ठीक है, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, लेकिन हम सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, वो दौर अलग दौर था। ठीक है, 15 साल में हमसे कोई कमी या भूल होगी तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं, तो हम उसके लिए माफी भी मांगते हैं। तेजस्वी यादव की इस बयान पे जब हमारे संवाददाता जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह से उनसे पूछा कि आरजेडी ने माफ़ी मांगा है, इस पर आपका क्या कहना है, तो राजीव रंजन सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तेजस्वी यादव की माफ़ी पर किसी को भरोसा नहीं। बिहार की जनता कभी भी उनकी माफ़ी को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकती है कि 15 वर्षों में बिहार ने जो यातनाएँ झेली हैं, जो दर्द झेला है, जो परेशानियां हुई हैं, जिस तरह की हत्याएं, नरसंहार, आगजनी, फिरौती के लिए अपहरण, 118 नरसंहार, उस काले दौर को केवल ये कहना कि अगर गलतियां हुई हैं तो माफ़ी, अगर और मगर से उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, इसलिए कि उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है। उसी अराजक संस्कृति और उसी विरासत की वो देन है जिसके बल पर 15 वर्षों में बिहार की जनता का दमन हुआ है, और इसीलिए आज अगर उनको और उनकी पार्टी को कोई गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है तो इसकी वजहों को उन्हें समझना होगा कि जनता ने मान लिया है कि लालटेन युग में कोई भी कोशिश करे उसके बहकावे में नहीं आना है, और तेजस्वी यादव को कतई किसी तरह से जनता माफ़ करे, ये बिहार की परिस्थिति। Thank you.